जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों बिहार विधानसभा सचिवालय चालक भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, इसमें ड्राइवरों की आवश्यकता है। जो भी भाई बहन ड्राइवर है, जो गाड़ी चला सकता है, तो वो इस भर्ती में फॉर्म लगा सकता है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेनी है दोस्तों। अच्छा, इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, बस कोई समस्या नहीं है, फॉर्म भर सकते हो आराम से। योग्यता भी 10वीं पास ही है, ज़्यादा योग्यता भी नहीं है। सारी बात कराऊंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। क्या वेतन मिलेगा, क्या योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सारी बात कराऊंगा। चयन कैसे होगा, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। आप ही का चैनल है दोस्त ये, काली पट्टी में सब्सक्राइब दिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का। देखो भाई, इसकी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ये जो है इसका नाम है, एक सुरक्षा प्रहरी की भी निकली हुई भर्ती है, वो भी इसी में है। और अब यहाँ पे है जो चालक है, यहाँ पे ये जो भर्ती है ये चालक की है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में भी लगना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बना दी है, उसको भी जाके देख सकते हो। सुरक्षा गार्ड की भी भर्ती निकली हुई है। बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती 2024 चालक, ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 जनवरी 2024 से होंगे और लास्ट डेट 21 जनवरी 2024 रहेगी। साथियों समझ गए, 21 जनवरी से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। 20 दिन का समय मिलेगा, आराम से भरो फॉर्म। एज की बात करें तो 18 से 37 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। जनरल वाले एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट है। और 1 अगस्त 2024 को जिस भाई की उम्र 18 साल पूरम पट हो गई है वो फॉर्म भर सकता है। और भाई, लड़कियां तो कम ही जाती हैं ड्राइवर में, लड़के ही जाते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन ऑल इंडिया के महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई भरना चाहे तो। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फॉरम फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर राज्य, अगर कोई भी अदर राज्य का भी फॉरम भरता है, जैसे भर्ती तो बिहार की है, सबको पता है भाई बिहार की भर्ती है, अगर कोई राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, कोई भी फॉरम भरना चाहे तो भर दो, 400 रुपये फॉरम फीस लगेगी आपकी। ठीक, और जो बिहार के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, बिहार के हैं, उनके भी 400 ही लगेगी। और जो बिहार के एससी एसटी वाले हैं और महिला भर्ती हैं तो 100 रुपये लगेंगे। अच्छा, चयन कैसे होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। व्यवहारिक जांच की जाएगी, इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट। व्यवहारिक जांच क्या है साहब, ये प्रैक्टिकल देखेंगे वहां पे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ व्यवहारिक जांच क्या होती है, क्योंकि गाड़ी चलवाएंगे भैया, स्किल टेस्ट तो वो होगा और छोटी मोटी जानकारी वो भी बताऊंगा। चालक के पद हैं, 9 पदों पे भर्ती है, 10वीं पास योग्यता है, LMV या HMV का लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। LMV का मतलब है लाइट मोटर व्हीकल, HMV का मतलब हैवी मोटर व्हीकल। इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपने गाड़ी चलाई हो 2-3 साल तो ही आप फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। ऐसे नहीं है कि साहब लाइसेंस तो है, गाड़ी नहीं चलानी आती, ऐसे लाइसेंस तो मोटरसाइकिल वाले के पास है जो कि LMV का है, लेकिन उसको भी पिकअप नहीं चलानी आती, तो ये होता है, बनवा लेते हैं लाइसेंस तो, गाड़ी ढंग से तो चलानी नहीं आती ना, लेकिन थोड़ा बहुत ही आता है, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, सुपर फास्ट आनी चाहिए। ऐसे तो थोड़ी बहुत तो मैं भी चला लेता हूँ गाड़ी तो, हैं, बुलेरो चला लूँ, स्कॉर्पियो चला लूँ, लेकिन बाजार में जाते ही मैं चेंज कर देता हूँ ड्राइवर, ले भाई अब तू ले ले तो ऐसे थोड़ी चलेगा। 19,900 से 63,200 ये इसकी तनख्वाह रहेगी, बहुत बढ़िया तनख्वाह है। अब व्यवहारिक जाँच के बारे में बता दूँ, स्किल टेस्ट क्या होगा साहब, स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि ड्राइवर है तो गाड़ी चला के दिखाएगा वहाँ पे, 8 बनाओ 0 बनाओ है ना, और कुछ क्रॉस में गाड़ी चलाओ, बैक करो, ये चीज़ें।
स्किल टेस्ट होगा और व्यवहारिक जांच में आता है छोटी मोटी कोई खराबी आ जाए तो उसको ठीक कर देना। जैसे भाई अपने छोटी मोटी आ जाती है ना, वो बोनट को खोलते हैं, इंजन उंजन में पानी वाणी की पंप पंप देते हैं, ये छोटी मोटी खराबी है तो उसको सही कर देना। चक्का बदल देना, जैसे चक्का उक्का बदलते हैं ना, रिम उम को निकाल देते हैं बुलट उल्ट लगा के। टायर को बदलना, जैसे हम स्टेपनी चढ़ाते हैं पंचर हो जाता है कोई उजाड़ भी या बांध में कहीं पर सड़क पे, कोई दुकान भी नहीं है पंचर की, तो वो खटाखट अपने चाबा पानी लगायो और दमादम खटाखट टायर ने फिट कर दूसरों पंजा दे दैठ दे, ऐसा होना चाहिए। हवा चेक कर दे, हवा हुआ चेक कर दे, ठीक है। इंजन का ज्ञान होना चाहिए कि भाई इंजन वगैरह में कोई मिस्टेक आ गई हो तो उसका ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल भी चलाना आना चाहिए। देखो अब ये पता नहीं नोटिफिकेशन में लिखा है कि साइकिल चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई कुछ समस्या आ जाए तो अपने साइकिल लेके चला जाए, कुछ सामान लेकर के आ जाए, तो ये इसका व्यवहारिक जांच किया जाएगा, ये काम आपको आना चाहिए। अगर आप वाकई में ड्राइवर हो तो, ट्रक वाले नहीं लगे रहते हैं बेचारे रोड के ऊपर ही नीचे पड़ करके, उसमें कसते रहते हैं, चाबा पानी लगाते रहते हैं, तो बुलट उल्ट कसते रहते हैं, टायर टूर निकालते रहते हैं, तो ऐसे आपको भी काम आना चाहिए, तब जाके आप इसमें पास हो पाएंगे। परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा के तो कतई मना कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहां आप आराम से पढ़ लेना, पूरा नोटिफिकेशन है। नो ही पदों पे ये, नो ड्राइवरों की जरूरत है यहां पे। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।